तो गाइस आज यहाँ पे हम स्टार्ट करें आपकी यूनिट सेकंड जो यहाँ पे रहने वाली है डेमोग्राफी। आप देखिए डेमोग्राफी हमारी क्या होती है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। तो इसके अंदर जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके सारे ही वीडियो लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम स्टार्ट करें आपकी यूनिट सेकंड, जो कि यहाँ पर रहेगी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और साथ में रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन दी फॉलोइंग। तो इस यूनिट को डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारे यहाँ पे मेन टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का, वो रहेगा यहाँ पे डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी को डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पे हम सोच रहे थे आपका जो फैमिली प्लानिंग वाला पार्ट है उसको भी इसी में इन्वॉल्व कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा आपका लेंथी है, क्या है सब मेथड्स वगैरह हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर आपका लेंथी हो जाता। तो यहाँ पे ओनली डेमोग्राफी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये वाला लेक्चर ज़्यादा लेंथी यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं डेमोग्राफी हमारी क्या होती है। तो देखिए डेमोग्राफी एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो आप पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ नया हम सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम खुल के इसको देखने वाले हैं। पहले जो हम देखते थे जैसे 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जनसंख्या। तो जनसंख्या किसको कहते हैं, मतलब डेमोग्राफी को ही हम कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो जनसंख्या क्या होता है, कभी कभी उस पर थोड़ा सा नियमन टाइप में लिखने को आ जाता है, 2 से 3 नंबर में मैक्सिमम, तो इतना ही वहाँ पे हम लिख पाते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि आपकी फार्मेसी है, तो डिटेल में इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इस टाइम अगर प्रेजेंट टाइम में हम अपने देश का देखें, देखिए यहाँ पे वैसे हम स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की, क्योंकि यहाँ पे अगर होता नेशनल डेमोग्राफी तो हम इंडिया की करते, लेकिन यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड की देख रहे हैं। तो इस टाइम वैसे हम इंडिया की देखें तो इस टाइम कितनी है, 140.76 करोड़, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतनी इस टाइम क्या है पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है, यानी जो फर्स्ट इस टाइम में फिलहाल देखा जाए तो चाइना है, जिसकी 141.24 यानी 24 करोड़। तो इतनी क्या है, देखिए रेशियो हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो फिलहाल इतनी ज़्यादा बढ़ती चल जा रही है, जिससे कि चाइना की पॉपुलेशन से बस थोड़ा सा ही पीछे है। आने वाले टाइम में देखा जाए तो कुछ बराबर से यहाँ पे होने वाली है। तो ये हमारी क्या होती है, डेमोग्राफी होती है, मीन्स हमारी जो पूरी ही कंट्री है इंडिया है तो उसकी जितनी भी पॉपुलेशन है, तो उसको यहाँ पर हम कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया की है उसको हम कहते हैं। तो सीधा यहाँ पे कहने का मतलब है जो एक तरह से पूरी ही पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। साथ ही में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम मेथड भी देखेंगे जिससे हम पता लगाते हैं डेमोग्राफी इस टाइम क्या चल रही है, कब कम होती है, कब ज़्यादा होती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अब देखिए डेफिनेशन हमने यहाँ पे 2 लिखी हुई है, फर्स्ट हमारी ये रहेगी, सेकंड हमारी ये रहेगी। तो फर्स्ट वाली जो है आई थिंक वो आपको थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड लिख दी जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए डेमोग्राफी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं भाई, स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, इन विच जिसके अंदर इंक्लूड्स स्टडी ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज कंपोजिशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स हम कह सकते हैं डेमोग्राफी जो है हमारी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, क्या उसमें कंपोजिशन है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे पॉपुलेशन कब बढ़ रही है, कब घट रही है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक तरह से पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे पॉपुलेशन कम हो रही है, सभी एक तरह से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। हम कहाँ पे देखने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आई थिंक आपको इतना तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। डेमोग्राफी द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन आर गिवन स्पेशल अटेंशन। अब देखिए हमारी जो डेमोग्राफी है तो उसमें हमारे 3 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, मीन्स हिंदी में कहते हैं सिद्धांत, तो उन पर थोड़ा सा स्पेशल हम फोकस देते हैं क्योंकि उसी से पता चलता है डेमोग्राफी की क्या फिलहाल कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक तरह से जो पॉपुलेशन है उसके साइज में क्या चेंज हो रहा है, जैसे कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब इसको आप इस तरह समझिए, जैसे कि क्या होता है कभी कभी बर्थ रेट ज़्यादा होती है, डेथ रेट कम हो जाती है, तो पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है, सुनामी वगैरह आ गई, इस तरह का वर्ल्ड में घट रहा है जिससे क्या हो रहा है, जो मृत्यु दर है वो इंक्रीज हो गई है, जो बर्थ रेट है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेमोग्राफी इंक्रीज हो जाती है। तो मेन जो एक तरह से कॉन्सेप्ट हमारा डिपेंड करता है वो बर्थ रेट पर और डेथ रेट पर करता है। अगर डेथ ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन कम होगी, या एक तरह से क्या रहेगी, मतलब इक्वल रहेगी, स्टेबल रहेगी, या बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है तो एक तरह से वह अनस्टेबल हो जाती है, हिसाब से ज़्यादा बढ़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है, मीन यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और एज ग्रुप्स। क्या होता है, जैसे मेल ज़्यादा हैं
फीमेल ज्यादा है। तो इस टाइम का जो हिसाब है, इसके हिसाब से हम देखें तो वर्ल्ड में पूरा मतलब 49% जो है वो वुमेन्स हैं, और जो 51% है वो मेल हैं। तो इस तरह से फिलहाल तो देखा जाता है। तो देखिए क्या मतलब, क्या एज है, किस एज के लोग ज्यादा हैं फिलहाल वर्ल्ड में, या किस सेक्स में, सेक्स के एक तरह से मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, तो वो इस पर डिपेंड करता है। इसमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और साथ ही में टेरिटरी। सीधा कहने का मतलब है जैसे कोई इलाका, मान लीजिए जैसे कि इंडिया के अंदर जो यूपी एक तरह से स्टेट है, इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा यानी हिसाब से ज़्यादा है, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब हम कह सकते हैं फैमिली साइज, फैमिली का साइज क्या है उसको हम स्टडी करते हैं। साथ में मैरिज मतलब कितने लोगों ने शादी की है, जितने लोगों ने की है या कितनों ने नहीं की है। साथ में यहाँ पे माइग्रेशन यानी प्रवास, तो इस तरह से हमारा ये रहता है। अब यहाँ पे हम देखने वाले डेमोग्राफी साइकिल। अब देखिए डेमोग्राफी साइकिल हमारी क्या होती है, तो डेमोग्राफी साइकिल हम कह सकते हैं हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कब डेथ रेट एक तरह से ज़्यादा थी या बर्थ रेट ज़्यादा थी, मींस कब पॉपुलेशन हमारी स्टेबल थी, या कब हमारी पॉपुलेशन स्टेबल रह सकती है, या कब एक तरह से स्टेबल वो हो सकती है, या कब वो अनस्टेबल हो सकती है। मींस हम कह सकते हैं क्या होती है हमारी मतलब एक स्टेजेस होती हैं, मतलब हाई स्टेशनरी या साथ ही में अर्ली एक्सपेंडिंग, या एक तरह से हमारी डिसलाइनिंग हो गया, लो स्टेशनरी हो गया, या लेट एक्सपेंडिंग हो गया। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपके एग्जामिनर को लगेगा, जिससे मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। वरना आप चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव कर दे डायरेक्टली, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से थोड़ा सा लिखेंगे तो क्या होता है, देखिए मेन चीज़ क्या होती है, आपको अच्छे से आता है, आपको याद है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से एग्जामिनर को दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़े से मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। बाकी होता तो सब वही है जो आप स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नंबर वाइज इसको दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पहले स्टेट कौन सी आई, इस वजह से यहाँ पे साइकिल को हमने नंबर वाइज लिखा हुआ है। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं हाई स्टेशनरी। देखिए हाई स्टेशनरी इसको हम कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, आप चाहें तो इसको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हाई स्टेशनरी एक तरह से हमारी कौन सी फेज है, इसके अंदर क्या होता है, तो दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई ए हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेशनरी। देखिए स्टेशनरी का मीन्स होता है यहाँ पे स्थिर, मीन्स कहते हैं ना कोई चीज़ स्थिर है ना एक तरह से। तो हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है जिसको हम हाई स्टेशनरी कहते हैं, इस स्टेशनरी के अंदर क्या होता है, मीन्स इस स्टेज के अंदर जो बर्थ रेट है, मीन्स जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, और साथ में जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतनी ही उनकी डेथ हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है ना, जो एक तरह से स्टेज है यहाँ पे वो मतलब स्टेबल रहती है, ना ही तो जनसंख्या कुछ ज़्यादा जाती है और ना ही एक तरह से इतनी कम होती है। तो ये फर्स्ट स्टेज पहले मतलब रह चुकी है, और एक तरह से किसके अंदर थी, जो इंडिया है उसके अंदर कब थी, ये एक तरह से 1920 1920 में ये स्टेज इंडिया के अंदर रह चुकी है। इंडिया वाज इन दिस स्टेज टिल 1920। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए यहाँ पे सेकंड हम स्टेज देख लेते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करके देख सकते हैं कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज हमारी हो गई, सेकंड स्टेज हमारी कौन सी होती है, इसका मीन्स यहाँ पे अर्ली एक्सपेंडिंग, इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक विस्तार, मीन्स जो जनसंख्या है वो प्रारंभ में जब बढ़नी स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो द डेथ रेट बिगेन्स टू डिसलाइन, जो एक तरह से डेथ रेट है वो तो यहाँ पे हमारी डिसलाइन मीन्स उसमें गिरावट आई, वाइल द बर्थ रेट अनचेंज्ड इनिशियल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। एक तरह से क्या स्टार्टिंग, यहाँ पे क्या हुआ, जो डेथ रेट है वो तो कम होने लगी और जो बर्थ रेट है वो यहाँ पे ज़्यादा होने लगी। ये एक तरह से कब की स्टेज थी, ये एक तरह साउथ अफ्रीका में ये स्टेज फिलहाल में चल रही है। कब चल रही है, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ये चल रही है। क्या हो रहा है, जो साउथ अफ्रीका वाला मतलब देश है तो उसमें मतलब डेथ रेट कम है, और जो एक तरह से बर्थ रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कह सकते हैं जो स्टार्टिंग एक तरह से मतलब पॉपुलेशन में स्टार्टिंग है बढ़ने में, तो ये फिलहाल वहाँ पर है। जो सेकंड स्टेज है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी लेट एक्सपेंडिंग, जिसको यहाँ पे थर्ड स्टेज के नाम से भी हम जानते हैं। आप यहाँ पे ये लिख दें या ये लिख दें, हमारा इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं, द डेथ रेट डिक्रीज स्टिल फर्दर एंड बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल कंटिन्यू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो देखिए सीधे यहाँ पे कहने का मतलब है, जो क्या होता है डेथ रेट होती है वो तो कम हो जाती है, मीन्स लोग कम मरते हैं, लेकिन जो बर्थ रेट होती है पैदा होना, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो यहाँ पे
कंटिन्यू रहते हैं। अब ये जो हमारी थर्ड स्टेज है देखे जाए तो प्रेजेंट टाइम में हमारी यही चल रही है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, चाइना हो गया, साथ में सिंगापुर हो गया और इंडिया हो गया, तो इन जगहों पे क्या है ये चीज़ फिलहाल में चल रही है। इसलिए जो इंडिया की या चाइना की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे फोर हम देख लेते हैं लो स्टेशनरी। देखिए लो स्टेशनरी जिसको हिंदी में कहते हैं निम्न स्तर, इसको हम कहते हैं यहाँ पे फोर्थ स्टेज। वैसे आपको नाम से यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड, ये जो हमारी एक स्टेज है इसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाई ए लो बर्थ रेट। इसमें जो एक तरह से बच्चे पैदा होते हैं वो कम होते हैं एंड लो डेथ रेट, स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। तो फोर्थ स्टेज क्या होती है, इसमें जो एक तरह से बर्थ रेट है मींस जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं और साथ में जो डेथ रेट है वो भी यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहती है। डेथ रेट और बर्थ रेट क्या होता है लगभग सिमिलर यहाँ पे वो होती हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक तरह से 1980 और 85, 1980 से 1985 में ऑस्ट्रेलिया इस मतलब स्टेज में रह चुका है, तो ये हमारा हो जाता है। जो यहाँ पे फोर स्टेज है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी लास्ट स्टेज जो यहाँ पे रहेगी डिसलाइनिंग स्टेज, जिसको यहाँ पे फिफ्थ स्टेज के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इन द डिसलाइनिंग स्टेज मीन्स इस स्टेज के अंदर बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट फॉल इन पॉपुलेशन। अब देखिए जैसे हमारा इंडिया है तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या बढ़ती चल जा रही है, लेकिन ये एक तरह से हमारी जो डिसलाइनिंग स्टेज है इसमें क्या हो रहा है, जो एक तरह से बर्थ रेट है वो तो यहाँ पे कम हो रही है और डेथ रेट जो है वो अच्छी खासी है मतलब वो हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है पॉपुलेशन में गिरावट आ रही मीन्स पॉपुलेशन कम हो रही है। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या एक तरह से जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया कंट्रीज़, तो ये कुछ ऐसी मतलब कंट्रीज़ हैं जैसे हमारा यूरोप हो गया या एक तरह से जर्मनी हो गई जो इस स्टेज को फिलहाल में फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको डेमोग्राफी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आया होगा। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं। और देखिए हमारी जो वेबसाइट है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं और नोट्स क्या है आपको हिंदी प्लस इंग्लिश और साथ में इंग्लिश दोनों का हमने ऑप्शन वहाँ पे लगाया हुआ है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं या जो हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं वो वहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में भी नोट्स ले सकते हैं, बाकी इंग्लिश में हमने पूरे अवेलेबल वहाँ पे कर रखे हैं। मीन्स यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट जो हमने जितने लेक्चर अपलोड किए हैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स वहाँ पे अपलोड हैं, जो अभी हमने अपलोड नहीं किए उनके नोट्स हमने बना लिए हैं, तो जैसे आपको लेक्चर मिलते रहेंगे उसी तरीके से नोट्स भी वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।